वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो होती हैं जो बोलते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन लोग उसको देखते आ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 6 की इंग्लिश सेवन सिस्टर्स। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें मैं आपको असम के बारे में बताऊंगी और लेक्चर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो मैं इसे पहले रीड कर देती हूँ फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आई एम असम ऑल्सो नोन एज अहोम। यू विल फाइंड माई लैंड बिटवीन द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड बराक रिवर्स। दे कॉल मी द गेटवे टू द सेवन सिस्टर्स। ठीक है, असम को हम अहोम भी कह सकते हैं और जो ये असम है ये ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा और बराक रिवर के बीच में है और इसे गेटवे टू द सेवन सिस्टर्स कहा गया है। यानी अगर आपको सेवन सिस्टर्स की तरफ जाना है, घूमना है ना, तो वहाँ को उसको उसमें से असम को गेटवे कहा गया है। रीजन वो है कि गेटवे इसलिए कहा गया है कि असम के अंदर एक सिटी आती है गुवाहाटी, तो वहाँ का जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत अच्छा है, चाहे वो रेल के थ्रू हो, रोड के थ्रू हो या एरोप्लेन के थ्रू हो, एयर के थ्रू हो, ठीक है, इसलिए उसको गेटवे कहा गया। तो उन्होंने गुवाहाटी नहीं बताया, लेकिन अगर आपको कोई पूछे तो आप उसको याद रखिएगा। माई पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल, इफ यू कम हियर यू कैन एन्जॉय द क्विजिन विच हैज इट्स ओन डिस्टिंक्टिव अरोमास एंड फ्लेवर्स। आई एम नोन फॉर माई आर्टिस्टिक हेरिटेज, एग्जॉटिक डांस फॉर्म्स एंड एलिगेंट टेम्पल्स। यस, तो देखिए इनका भी जो यहाँ के लोग हैं ना वो भी हॉस्पिटेबल है। यानी जैसे अरुणाचल प्रदेश में आप अगर आपने वीडियो देखा होगा वो ना, तो उसमें भी अरुणाचल प्रदेश के जो लोग थे और ये असम के लोग हैं, इनकी जो मेहमान नवाजी है ना ये बहुत अच्छी है। और आप अगर वहाँ जाते हैं ना तो वहाँ का जो खाना है ना वो बहुत अच्छा है, उसकी बोलते ना खुशबू और टेस्ट बोलते ना लाजवाब है। और वहाँ का जो आर्टिस्टिक हेरिटेज मतलब बोलते ना कि जो वो लोग कोई भी चीज़ कलात्मक बोलते ना करते आ रहे हैं ना, वो हेरिटेज मतलब बोलते ना कि परंपरा से चलती ही आ रही है, ठीक है, तो वो आपको वहाँ देखने को मिलेगी। एग्जॉटिक डांस फॉर्म्स एंड एलिगेंट टेम्पल्स, देखिए हर जगह का एक अपना अपना डांस फॉर्म होता है, तो वहाँ पे भी है। और एलिगेंट टेम्पल्स, टेम्पल्स तो देखिए जितने भी बिल्ट हुए हैं वो बोलते हैं ना हमेशा ब्यूटीफुल ही दिखते हैं। द रिवर्स एंश्योर दैट माय टेरिटरी इज लश एंड फर्टाइल विद वेटलैंड्स, ऑर्चर्ड्स, टी एस्टेट्स एंड सीनिक फॉरेस्ट एंड पार्क्स। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। माई पिक्चर्स टू लैंडस्केप ऑफ गोल्डन ग्रीन राइस फील्ड्स एंड लैंडस्केप टी स्टेट इज ऑसम टू बिहोल्ड एंड यू नो असम टी इज वर्ल्ड फेमस। ठीक है ना, अगर हम सिंपल देखेंगे असम के बारे में, अगर कोई भी पूछे तो हमको इतना जरूर पता होता है, कुछ पता होना हो कि असम की जो चाय है ना वो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है ना, तो इसमें क्या बताया उन्होंने कि जो इनका ये जो इनकी जो टेरिटरी है वो जो उसमें जो रिवर है वो कैसा है, लश और फर्टाइल है। यानी कि बोलते हैं ना कि बोलते हैं ना भरा हुआ है और वहाँ की जो मिट्टी है ना वो क्या है, उपजाऊ है। वेटलैंड्स हैं, गीला बोल सकते हो आप, कोई भी जगह जो गीली रहती है ना, हिंदी में अगर बोलते दलदल एक तरीके से, हाँ। ऑर्चर्ड्स बोलते ना बगीचा, टी स्टेट्स एंड सीनी फॉरेस्ट, यानी वहाँ का जो ये देखो आपने टी का यहाँ पे दिखा है ना, टी स्टेट्स, ये फोटो भी उन्होंने दिखाई है असम का, है ना। और वहाँ के जो फॉरेस्ट है ना बहुत काफी सुंदर है और वहाँ के पार्क्स भी सुंदर हैं। अब देखो मेन है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती है पहले तो यही समझना है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो होती हैं जो बोलते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन लोग उसको देखते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ ताजमहल, तो मतलब मानो मेरी नानी ने देखा होगा, मेरी दादी ने देखा, मेरी मम्मी ने देखा, मैंने देखा और अभी मेरे बच्चे देख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम एक तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ऐसे ही आपको असम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है असम में, यहाँ पे दिए काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। इसकी है ना मैं आपको पिक दिखा देती हूँ, ये देखो काजीरंगा नेशनल पार्क, देखो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आप देख लो मानस नेशनल पार्क, ठीक है, ये मेरे को जो अच्छी इमेज लगी वो मैंने लगा दी है, आप गूगल पे जाके इसे सर्च कर सकते हो। माई पिक्चर्स टू लैंडस्केप ऑफ गोल्डन राइस फील्ड्स एंड लैंडस्केप टू टी स्टेजेस टू बिहोल्ड। सॉरी मैं ये भी इसकी भी इमेज दिखा देती हूँ आपको, ये देखो गोल्डन राइस फील्ड्स का भी देखो कितने अच्छे इनके हैं, ये देखो ये रहा, ये भी इन्होंने पिक दिखाई है। और असम टी का तो आपने बहुत पिक्चरों में भी देखा होगा कि काफी सॉन्ग्स वगैरह है ना बोलते हैं ना डायरेक्टर्स उसको शूट करते हैं असम में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसमें जो बचा, एंड यू नो असम टी इज वर्ल्ड फेमस, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि असम की टी फेमस है। यानी इसमें से आपको क्या याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र इज असम्स लाइफलाइन, द लैंड इज ऑल्सो रिच इन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, लैंडस्टोन एंड अदर माइनर मिनरल्स। देखो उनकी जो असम की लाइफलाइन बोलेंगे ना तो वो होगी ब्रह्मपुत्र, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। और वहाँ पे ये सब चीजें मिल जाएंगी, लैंड इज ऑल्सो रिच इन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, लैंडस्टोन एंड अदर माइनर मिनरल्स। माई हैंड वुमेन सिल्स आर एक्सक्विजिट विद नेचुरल कलर्स एंड डिजाइन, दे से अ वुमेन वेयर फेरी टेल्स ऑन देयर लूम्स। असम सिल्क फैब्रिक्स, एरी, मुगा एंड पथ आर द मोस्ट
sought after sales in the world of fashion. देखो अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज दी है looms. देखो आप looms की भी देखेंगे ना, यानी उनका कहना है कि जो उधर ladies होती है ना, तो वो जो काम करती हैं है ना सिल्क का, तो ये देखो इस पे करती हैं, तो उनका मानना है कि वो फेरी टेल्स, यानी एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो वो बहुत अच्छे से उसको है ना मन लगाकर उसमें काम करती हैं लूम्स में. ये लूम्स की इमेजेस हैं, ये मैंने आपको दिखा दी. और वहाँ की जो फेमस सिल्क आती है वो होगी एरी एरी मुगा एंड पथ. ठीक है, ये आपको याद रखना है. आई एम नोन एज द लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, द मेजर फेस्टिवल आसाम इज बिहू. ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि उसके लैंड किस चीज के लिए वो बोलते हैं ना नोन एज, और अच्छा किसके लिए बोला जाता है वहाँ पे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के लिए, मेला और त्यौहार वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं, और वहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो है बिहू. ठीक है, केन एंड बाम्बू आर द इंस्पिरेबल पार्ट्स ऑफ माई लाइफ एज सुवेनियर्स. यू कैन टेक द जप्पी ट्रेडिशनल सनसेट एंड मास्क, डोंट फॉरगेट टू विजिट द अहोम पैलेसेस. अब देखो इसमें से केन और बम्बू याद रखना है आपको. केन क्या होता है, वो भी बम्बू की तरह ही हुआ. केन थोड़ा पतला रहेगा, उसे आप फोल्ड कर सकते हो लकड़ी टाइप की, जो लकड़ी फोल्ड हो जाएगी उसको केन बोलेंगे. एंड बम्बू आप बोल सकते हो कि जो थोड़ा सा मोटा रहता है उसको आप ना बैंड वगैरह नहीं कर पाओगे. ठीक है, ये याद रखना है. दोनों एक लकड़ी है, लेकिन ये थोड़ा पतली लकड़ी कहलाती है केन, और बम्बू थोड़ा बोलते ना हैवी मोटा रहता है. ठीक है, और वहाँ की जो है ना जप्पी और मास्क वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखो ये जप्पी एक तरीके से कॉनिकल शेप की है ना कैप होती है, ये वहाँ की बहुत बोलते हैं ना फेमस है. अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद रखना है जप्पी है ना. और वहाँ के मास्क देखो, ये जो है ना ये सब मास्क हैं. ये देखो एक एग्जांपल आसाम के मास्क. ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ज़्यादा कहाँ वगैरह बनते हैं, आसाम में. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू विजिट द अहोम पैलेसेस. देखो अहोम पैलेसेस वहाँ के जो महल है ना उधर भी आपको विजिट करने को बोला. अहोम पैलेसेस कुछ अलग नहीं है, अहोम बोले तो आप असम को ही अहोम बोलते हैं, मैंने फर्स्ट लाइन में ही बोला था. पैलेसेस बोलेंगे तो महल. तो जब भी आप कभी असम जाएं तो आपको याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क को आप विजिट करें. वहाँ के गोल्डन ग्रीस राइस फील्ड्स हैं, टी इस्टेट्स हैं, और जो उन्होंने बोला है कि हमेशा याद रखने के लिए है तो वो है अहोम पैलेसेस. और आप जाएं तो कभी वहाँ से जप्पी और मास्क जो आपको अच्छा लगे उसे खरीदिए. और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.